नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। राज्य में बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली चल रही है और बता दें कि 1,22,000 शिक्षकों की बहाली के लिए द्वितीय चरण बीपीएससी के द्वारा TRE 2 लिया जा रहा है। आपको बताएं कि 8 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी और उस परीक्षा में बताएं कि भाषा का पेपर, जो अनिवार्य भाषा होता है, जो कि 30 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें आपको हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत जैसे भाषाओं का चयन करना होता है, उस दिन ऐसे बहुत जगह से एक खबर आई कि उर्दू के प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर जो है सोहेल, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, बता दें आपको बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, के साथ साथ बता दें आपको हम कि जो मोहम्मद सोहेल जो हैं वो MLC के साथ साथ अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक कल्याण समिति के। उनके द्वारा पत्र BPSC के चेयरमैन को लिखा गया है और ये पत्र जो है कल के डेट में लिखा गया है और विषय जो है इसमें है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के TRE 2 परीक्षा के लिए भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला विषय निर्धारित होने के बाद भी जानबूझकर उर्दू बांग्ला विषय का प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को न देने के संबंध में कहा गया है। इसमें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक एवं तथा विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए दिनांक 8 दिसंबर 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। विज्ञापन संख्या 27/2023 के अनुसार कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाने थे। इनमें प्रथम प्रश्न पत्र 30 अंक का भाषा अर्हता तौर पर अनिवार्य था, लेकिन अर्हता के परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी में पूछे गए। उर्दू बांग्ला अभ्यर्थी इसे अपने एवं उर्दू भाषा के साथ बड़ा धोखा मान रहे हैं, इसलिए कि उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया था वे सभी अपनी भाषा उर्दू बांग्ला में परीक्षा तैयारी करके गए थे, लेकिन उर्दू बांग्ला भाषा अभ्यर्थियों के साथ जानबूझकर इस तरह का व्यवहार किया गया जिससे उन सभी अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। अतः उर्दू बांग्ला विषय के उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग उर्दू बांग्ला विषय में पास कराकर या पुनः परीक्षा लेकर परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का आदेश अविलंब निर्गत करे, जिससे कि उर्दू बांग्ला विषय के उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। ऐसा पत्र BPSC के चेयरमैन को मोहम्मद सोहेल जो है, जो कि MLC है और अध्यक्ष है अल्पसंख्यक कल्याण समिति के, उनके द्वारा जो है लिखा गया है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि अतुल प्रसाद जी जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा परसों यानी कि 10 दिसंबर को ही ट्वीट किया गया था, वी आर अवेयर द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय नॉन हिंदी कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उनके द्वारा यह कहा गया था कि उनकी हम परेशानियों को समझ सकते हैं, जो नॉन हिंदी कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर के लिए एग्जाम दिए थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें आपको हम कि मोहम्मद सोहेल जो है उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि या तो सभी को आप पास घोषित करें या फिर पुनर्परीक्षा इनके अनिवार्य विषय के लिए आप लेना सुनिश्चित करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनके साथ अन्याय होगा। तो देखिए आयोग के बता दें आपको हम कि उनके संज्ञान में ये चीजें हैं और यही कारण है कि अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी के द्वारा इसको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब देखिए इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।